नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपकी स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। दोस्तों, हम DVD 101 फॉर्मूला ट्रिक्स पे काम कर रहे हैं, और हमने लास्ट वीडियोज में हम आपको बताए थे इनकम टैक्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या इनकम टैक्स का स्लैब कैसे हम डिसाइड करते हैं, और इसको हमने बाय फॉर्मूला हमने आपको समझाया था। ठीक है, अब इसी को हम फॉर्मूले के जरिए नहीं, ट्रिक्स के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं। जी हाँ, मतलब कि नेमिंग मेथड के जरिए, ट्रिक्स के जरिए, नेम ट्रिक्स कि सिंपलाइजेशन कैसे किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये तो काफी बड़ा फॉर्मूला बन गया था और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थी इसमें, तो इसको हम और किस तरह से छोटा करें, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां फॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन नेम में जाते हैं, और यहाँ पे हम अलग अलग नाम डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ कर्स हमें लगाना यहाँ है या यहाँ लगाना है, तो हम इसी पे कर लेते हैं डिफाइन। लोकेशन फिक्स होना चाहिए। जैसे कि हम स्लैब 1 की बात करते हैं, पहला स्लैब में हमारा क्या है कि ए है 45 मल्टीप्लाई बाई 3.44, या कोई रेफरेंस है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर कंसेप्ट को हटा देता हूँ, मतलब फ्री हो जाएगा आपका, पहला स्लैब क्रिएट हो गया। देन वापस हम स्लैब 2 कर देते हैं, और स्लैब 2 में हम इसको सिलेक्ट करते हैं। स्लैब 2 में क्या होगा, स्लैब 2 कब होगा, जब 100 पार कर जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाई थ्री, यहाँ पे 3.44, और इसको हम ब्रैकेट में दे देते हैं, प्लस हमने बोला कि इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 100 करके, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 4.1 से, और हम डॉलर कंसेप्ट हटा देते हैं यहाँ से, एंड ओके। फिर फाइनल स्लैब 3 है हमारा, मतलब कि ये 6.4 वाला, तो स्लैब 3। अब स्लैब 3 में क्या होगा कि पहले तो आपका 100 मल्टीप्लाई बाई 3.44 होगा ही, 3.44, फिर इसमें प्लस होगा 4.1, यहाँ पे अगेन 100 मल्टीप्लाई बाई 4.1, फिर उसमें हम प्लस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें माइनस करेंगे 200, कि 200 माइनस करो, फिर जो बचे उसको मल्टीप्लाई करना है किसे, 6.41 है, 6.41, लेकिन ब्रैकेट का ध्यान रखना होगा, ब्रैकेट दे देते हैं। लास्ट स्लैब स्लैब 4, 7.44, तो यहाँ पे हम स्लैब 4, तो जो कैलकुलेशंस है अंदर ना करके हम बाहर कर देते हैं, तो बाहर ना करके हम इसको नेमिंग मेथड के अंदर कर देते हैं, और इसको आसानी से कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे पांचवा स्लैब में क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 3.44 प्लस अगेन 100 मल्टीप्लाई बाई 4.1 प्लस, और यहां पे हो जाएगा हमारा 300 फोर पॉइंट, यहां पे 300 हो जाएगा 6.41 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ जाएगा, हाँ फिर इसके बाद इसमें प्लस होगा, जो कि इसमें से माइनस होगा 500,
और माइनस होने के बाद फिर इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा 7.42 का। ओके कर देते हैं। तो जो भी कैलकुलेशन थी हमने यहाँ ये देखिए इस पे हमने सारी कैलकुलेशन अपनी कर ली। अब जब मैं कंडीशन लगाऊंगा तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इफ कंडीशन लगाते समय कितना लंबी कैलकुलेशंस करने की कोशिश किया है। यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे उस स्लैब को कॉल करेंगे कि इफ यहाँ पे हम देते हैं के इक्वल इफ इसको सेलेक्ट किया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो स्लैब 1 शो करे। फिर इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 200 है तो स्लैब 2 को कॉल करो कॉमा अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 500 है तो स्लैब 3 को कॉल करें एंड कॉमा इसको सेलेक्ट किया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन माफ कीजिएगा ग्रेटर देन 500 है तो स्लैब 4 लास्ट 4 को क्लियर को यहाँ पे ले। अच्छा हमने इफ लगाना है भूल गया इफ लगाया था। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आ गया बट यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज क्यों है 415 क्यों चेंज हुआ। हमने आई थिंक हो सकता है लास्ट में ये जो ब्रैकेट को हमने नहीं लगाया था असल हो सकता है इसका फर्क पड़ा हो। नहीं इसका ही कोई फर्क नहीं है। एक तो मैं मैनुअल मैच करता हूँ कि 100 उसको 100 मिला अगेन 100 मिला और उसके बाद 415 माइनस 200 215 तो ए मल्टीप्लाई होगा 3.44 से ए मल्टीप्लाई होगा 4.1 से एंड ए मल्टीप्लाई होगा हमारा 6.41 से। फिर हम इन सबों को अगर सम करते हैं तो 2132 आ रहा है। ए एक का सही है हमने यहीं पे हमारा कोई मिसिंग है तो हमारा इसमें कौन सा स्लैब चल रहा है स्लैब आई थिंक स्लैब 3 चल रहा है। तो स्लैब 3 का जो कैलकुलेशन है एक बार यहाँ पे हम करते हैं कि इक्वल S3 तो 1818 है मतलब हमने स्लैब 3 में कहीं गलती कर दिया है। तो ये हो गया कि 100 मल्टीप्लाई बाई 3.44 राइट प्लस अगेन 100 मल्टीप्लाई बाई अच्छा यहाँ हमने माइनस कर रखा है इसीलिए ऐसे एरर हुआ था। छोटी मोटी गलती तो होती रहती है सर एंड हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब रिजल्ट आपका सही आ गया। तो ये तो हो गया आपका नेम ट्रिक्स के जरिए लेकिन अगर हम इसको वीवीए के जरिए करना चाहें अब इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ माफ कीजिएगा इससे पहले जो हमने कंडीशन लगा रखा था कि इफ वो देना पड़ेगा कि इफ हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 100 है तो स्लैब 1 आसानी है लगाने में। अगर हमने इसको सेलेक्ट किया क्योंकि अगर कंफ्यूजन भी नहीं है गलती भी आसानी से पकड़ा गया तो ए टू इज लेस देन इक्वल टू 100 तो स्लैब 2 एंड और जल्दी से लगा भी रहे हैं हम
स्लैब टू एंड कॉमा अगेन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और लेस देन इक्वल टू 500 तो स्लैब थ्री अदरवाइज स्लैब फोर, या कंडीशन दे दीजिए स्लैब फोर के लिए। अब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं तो बाकी सब का रिजल्ट दे देगा। ये तो नेम ट्रिक्स से हो गया, लेकिन अगर इसी को हम VBA के थ्रू करना चाहे तो नेम जो हमने बहुत सारे नेम डिफाइन करे तो इसी की दिक्कत आया है। अगर मैं इसी चीज को VVA के थ्रू करना चाहूँ तो मैंने तीसरा हमारा VVA के थ्रू कैसे होगा, तो चलिए VVA के लिए हम इसका VVA का कोड लिखते हैं। तो डेवलपर में आते हैं विजुअल बेसिक और यहाँ पे देते हैं फंक्शन ई बिल के नाम से और यहाँ एन एज ए हमने दे दिया लॉन्ग जो हमारा डेटा है एंड हम यहां देते हैं कि इफ इफ देते हैं कि इफ या हम ये दे सकते हैं सिलेक्ट केस कि सिलेक्ट यहां पे एक लेकिन एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए कि आर एज ए हमने दे दिया डबल डब्लू और यहां देते हैं सिलेक्ट केस विथ एन और यहां होगा केस जी यहां पे कि लेस देन इक्वल टू 100 तो R इक्वल टू हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई 3.44। फिर केस हमने बोला कि ये हो जाएगा 10 यहाँ पे 1012 200 तो R हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कि यहाँ पे देना पड़ेगा कि 100 मल्टीप्लाई बाई 3.44 प्लस n माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 4.1 और इसको भी आप ब्रैकेट में रख ले तो बेटर रहेगा। फिर तीसरा स्लैब है कि केस n इज मल्टी n केस n नहीं केस इज आपका 2012 500 तो यहाँ हो जाएगा आर ए जो ऊपर जो हमने दिया है इधर पूरा लेंगे ही लेंगे इसी को कॉपी कर लेते हैं बार बार पेस्ट करने से अच्छा है और इसी में हम कर देते हैं कि 100 मल्टीप्लाई बाई 4.1 प्लस यहाँ जो आपका माइनस 200 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.41 और फिर हम इसको कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं इसको हम कर देते हैं ग्रेटर देन 500 और इसी में लास्ट में हमारा ये हो जाएगा कि 200 मल्टीप्लाई 300 होगा ना हाँ 300 मल्टीप्लाई बाय 6.41 प्लस मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई और यहाँ जो हमारा हो जाएगा प्लस 500 7.42 और लास्ट में हम यहाँ कर देंगे एंड सेलेक्ट
सेलेक्ट, और इन द लास्ट हम कर देंगे ई यहाँ पे ई बी आई एल ई विल इक्वल टू आर, ई विल इक्वल टू आर, और उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल ई विल फॉर्मूले को यूज करूंगा, एंटर मारूंगा तो वी कैन गेट द रिजल्ट इजीली। अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप विथ फॉर्मूला उसे और शॉर्ट हुआ तो हमारा विथ नेमिंग मेथड, एंड उससे शॉर्ट यहाँ नेमिंग मेथड उसे शॉर्ट हुआ तो विथ वीवी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका यूज करें। तो अगले वीडियो में हम आपके साथ लेके आएंगे एक और ट्रिक्स, एक और चीज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे DVD परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, क्योंकि YouTube पे मैं कुछ प्रमोशनल वीडियो ही डालता है। आप सोचिए YouTube में सारा वीडियो डाल देता हूँ, तो नहीं, कुछ प्रमोशनल वीडियो ही डालता हूँ जिसको आप देख सकें और लाभ उठा सकें। लेकिन अगर कंप्लीट आपको चाहिए तो हमारे DVD आपको परचेज करनी पड़ेगी। 2500 की हमारी DVD है, 101 फॉर्मूला ट्रिक्स की, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।